देवशयनी एकादशी और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नांदगांव के लोग पारंपरिक तरीके से एक साथ आकर गांव के मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं। गांव की सुख शांति बरकरार रहे और किसानों को अच्छी फसल की प्राप्ति हो, इस भावना के साथ किसान पुरुष और महिलाएं पुरातन परंपरा के अनुसार गांव के मंदिर में भगवान से प्रार्थना करते हैं, मन्नत मांगते हैं और उनकी पूजा अर्चना कर गांव के हर गली मोहल्ले हर रास्ते से जुलूस निकाल कर बड़े उत्साह से इस त्योहार को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। जुलूस का एकमात्र उद्देश्य किसानों को कोरोना के प्रकोप से उत्पन्न संकट से बचाना था और यह उम्मीद थी कि गाँव और देश तभी समृद्ध होगा जब किसान सुखी रहेंगे। इस दौरान पारंपरिक परंपरा के अनुसार मंदिरों में गीतों का गान किया, कार्यक्रम में भाग लेकर सिर पर कलश लेकर गांव में पूजा अर्चना की। जुनी परंपरा गुरुजापासून चालत आली, ती परंपरा कायम राहावी आणि याच्यापासून म्हणजे जे हिंदू संस्कृती परंपरा कायम राहून जे आपण जे शेतकऱ्यांना सुख समृद्धी भरवड्याचं पीठ जे देवाला प्रार्थना करण्यात येते, जे परंपरा आहे ती कायम राहावी म्हणून आम्ही काढलं आहे। यावेळी शेतकरी हिंदू म्हणजे या निमित्तानं आम्ही जे देवाला प्रार्थना करतो की शेतकऱ्यांना भरभराट येऊ, पीक पाणी चांगलं हो, उत्पन्नाला चांगला भाव मिळो। आकाळीचं महत्त्व गुरु पौर्णिमा म्हणून आहे, त्या निमित्ताने आम्ही पारंपरा जे पूजन रीती आम्ही काढतो। मिस इंडिया के लिए भिवापुर से राम वाघमारे की रिपोर्ट।